आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए ग्रेड आर्टिस्ट व्यास जी ने देश विदेश के सभी प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी गायकी प्रस्तुत की है। सभी प्रमुख रिकॉर्डिंग कंपनीज ने कैसेट व सीडी निकाले हैं। सांगीतिक जीवन में आपके तीन रूप गायक, संगीत शास्त्री और प्रशासक, इन तीनों रूपों के दर्शन आप में होते हैं। गायकी के रूप में शानदार प्रदर्शनों की श्रृंखला, संगीत शास्त्री के रूप में संगीत के विभिन्न स्वरूपों पर कार्यक्रम, परिचर्चा एवं प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च वर्कशॉप, तथा प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य राजकीय संगीत विद्यालय जयपुर, विभाग प्रमुख मुंबई विश्वविद्यालय, कुलपति भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी लखनऊ। वर्तमान समय में आप आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी कोलकाता के जरिए भारतीय संगीत को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कार्यक्रम में आपका साथ तबले पर दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी। आपने गायन तबला वादन शिक्षा पिताजी पंडित मनोहर उद्धव जी से प्राप्त की। तत्पश्चात जयपुर घराने से संबद्ध उस्ताद जमाल खान साहब से एवं मुंबई के पंडित सुरेश तवलकर जी से आपने शिक्षा ग्रहण की। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट प्रवीण जी को देश के प्रमुख संगीत समारोहों में नामचीन कलाकारों के साथ संगत करने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान समय में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हमारे त्याग संगीत समिति के प्राध्यापक जनाब शमशाद अहमद खान साहब, और तानपुरे पर श्री हनुमान प्रसाद गुप्त और गिरधर गोपाल शुक्ल, ये दोनों हमारे त्याग संगीत समिति के छात्र हैं। उस्ताद शमशाद अहमद खान साहब किराना घराने के अनुगामी रहे हैं। आपने किराना घराने की गायकी की शिक्षा अपने पिता उस्ताद महफूज अहमद खान साहब से प्राप्त की है, और आप हम प्रयाग संगीत समिति के अध्यापकों के बीच में हीरे के समान विद्यमान हैं। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ पंडित विद्याधर व्यास जी राग केदार से कर रहे हैं, तो हम अपेक्षा रखते हैं कि जोरदार तालियों से हम अपने मंचासीन कलाकारों का स्वागत करेंगे। इलाहाबाद संगीत का घट रहा है, और इलाहाबाद की अपनी सांगीतिक परंपरा है। इलाहाबाद की सांगीतिक परंपरा और प्रयाग संगीत समिति एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं कि दोनों को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। प्रयाग संगीत समिति से एक तरह से मेरा नाता जो है वो मेरी परंपरा का ही है। संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जिनकी परंपरा मेरी परंपरा है, उसी की वही परंपरा जो है ये प्रयाग संगीत समिति की ही है। प्रयाग संगीत समिति के संस्थापकों में से एक स्वर्गीय विष्णु अण्णा जी कशालकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के वरिष्ठ शिष्यों में थे, और यही संगीत प्रचार प्रसार का महनीय कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में शुरू किया, और धीरे धीरे सभी संगीत प्रेमी लोगों को इकट्ठा करके एक प्रवाही परंपरा के रूप में इस प्रदेश में जो स्वर गंगा
इन्होंने प्रचारित की, उसी का विस्तृत रूप आज हम सब देख रहे हैं। तो मेरे लिए एक तरह से मेरे एक और घर में आकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने की बात है, और जिसके लिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आज मैं अपने गायन का कार्यक्रम राग केदार से कर रहा हूँ, जो एक हमारे परंपरा का एक विशिष्टतम राग है, प्रमुख राग है। आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि मुख्य राग कम गाए बजाए जाते हैं, उनके प्रकार ज़्यादा प्रचलित किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रागों की जो बात है वो तो अपनी अलग ही बात है। वो एक तरह से पैरेंट राग है और उनका एक विस्तार, उनकी अपनी बात अलग ही है। तो इसी रूप में राग केदार को मैं अभी प्रारंभ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैं 3 रचनाएं प्रस्तुत करूँगा, 1 बड़ा ख्याल और 2 मध्य लय के छोटे ख्याल। Amen.
Thank you.
Yeah.
Ah, yeah.
Ah.
Ha 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 ha
काफी
राग में ये भजन है, राधे कृष्ण बोल मुख से तेरो क्या लगेगा मन। हाथ पाव नहीं हिलना, दस बीस कोस नहीं चलना, कुछ निरे गाठ नहीं खुलना, तेरे मन की गुंडी खोल तेरो क्या लगेगा मन। इसका यह बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये भजन किसी जमाने में मेरे पिताजी ने उनके ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के द्वारा बहुत ही लोकप्रिय किया था, तो उसी भजन की एक तरह से फरमाइश आ गई है जो मैं गा रहा हूँ। Radhe Krishna Bol De Ro
मधुर आवाज ने निश्चित रूप से इस सभागार को बांध लिया है। संक्रमण के इस दौर में संगीत की परंपरा को बचाए रखना और उसी आधार पर प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय है। मैं प्रयाग संगीत समिति के सचिव महोदय तथा कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आकर हमारे अतिथि कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।